दोस्तों HDFC बैंक ने रिसेंटली उनके सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड HDFC इन्फिनिया और डाइनर्स ब्लैक इन दो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इस डिसीजन के बारे में मेरा ओपिनियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोफिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों HDFC बैंक ने रिसेंटली इनके दो सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड HDFC इन्फिनिया और डाइनर्स ब्लैक इन दो क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू था कैश में अगर आप कन्वर्ट करते रिवॉर्ड पॉइंट को तो जो वैल्यू आपको मिलता था पहले उसको अभी डिक्रीज कर दिया है HDFC बैंक ने। पहले अगर आप आपके HDFC इन्फिनिया या फिर HDFC डाइनर्स ब्लैक इन दो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में रिडीम करते तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू मिलता था 50 पैसे का, पर दोस्तों अभी HDFC बैंक ने डिसाइड किया है कि ये एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू वो 30 पैसे देगा। मतलब पहले इन दो क्रेडिट कार्ड को यूज करके एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको वैल्यू बैक मिल जाता था 2.5 रुपीज का, पर दोस्तों अभी आपको सिर्फ मिल पाएगा 1.5 रुपीज का। पहले आपको मिलता था अप्रोक्स 1.67% का वैल्यू बैक, अभी आपको मिल पाएगा सिर्फ 1% का वैल्यू बैक। पर दोस्तों मजे की बात तो ये है कि अब आप HDFC बैंक के इन्फिनिया या फिर HDFC बैंक के डाइनर्स ब्लैक कार्ड को एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट या फिर ICICI बैंक, Amazon पे क्रेडिट कार्ड जैसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो। ICICI बैंक, Amazon पे क्रेडिट कार्ड में Amazon या फिर उसके पार्टनर मर्चेंट्स को छोड़ के आप जितना भी स्पेंडिंग करोगे इस कार्ड को यूज करके आपको 1% का वैल्यू बैक मिल जाएगा उसमें। मतलब इन्फिनिया और डाइनर्स ब्लैक के इक्वली वैल्यू बैक आपको Amazon पे क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेते हो और उसको यूज करके फ्लिपकार्ट या फिर उसके पार्टनर मर्चेंट्स को छोड़ के कहीं पर भी पेमेंट करते हो तो आपको 1.5% का वैल्यू बैक मिल जाता है उसमें। मतलब इन्फिनिया और डाइनर्स ब्लैक से ज्यादा वैल्यू बैक आपको इसमें मिल जाता है। पर दोस्तों अगर आप HDFC इन्फिनिया और डाइनर्स ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करके ट्रैवल बुकिंग करोगे तो आपको ओल्ड रिवॉर्ड रेट मिलेगा, एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको 1 रुपया ही मिलेगा। इसमें HDFC बैंक ने कोई भी डिक्रीज नहीं किया है जो कि अच्छी बात है। दोस्तों ये जो दो सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है इसको ज्यादातर ट्रैवलर्स ही लेते हैं, मतलब जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल वही ये कार्ड प्रिफेयर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा बेनिफिट भी है जैसे कि अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस। तो जो कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके ट्रैवल बुकिंग करेगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस डिसीजन से। पर दोस्तों अगर कोई कस्टमर रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके कैश में रिडीम करना चाहता है तो उसके लिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा घट गया है, तो उनको अभी सोचना चाहिए कि इतना ज्यादा चार्जेस, मतलब 10,000 चार्जेस देके इतना सुपर प्रीमियम कार्ड उनको लेना है या फिर जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जैसे कि एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जिसमें आपको वैल्यू बैक इससे भी ज्यादा मिलेगा वो वाला क्रेडिट कार्ड आपको लेना है। मेरे ख्याल से ये दो सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड अभी भी बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा। पर दोस्तों हाँ, जो कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करता था उनको थोड़ा सा वैल्यू कम मिलेगा। तो दोस्तों बस यह था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।